हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग इंजीनियर। गाइस, तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वेल गाइस, ये जो वीडियो होगा ये मेनली फर्स्ट ईयर वालों के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत सारे इनके गैपिंग में, मतलब हॉलीडे जो था हम लोगों का 10 दिनों का, उसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन राइज हुए हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बेसिकली ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो वेल गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि होली से पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ गया था। तो वेल मैं सोच रहा था कि एट द टाइम ये वीडियो बना ली जाए, लेकिन बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को बैक आई है, क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों को बैक आई हुई है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। बेसिकली मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है, और करना क्या है कि आप लोगों को अभी घर पे एक लेटर जाएगा जिसको बैक आई है, मे बी, मुझे नहीं पता कि कंफर्म जाएगा ही कि नहीं जाएगा, घर पे एक लेटर जाएगा। तो आप वो अपना देख लेना जो करना है उसके साथ, आपके पिताजी के नाम पे वो या फिर मम्मी के नाम पे होता है, पता नहीं, उतना जो भी होता है आपके घर पे लेटर जाएगा। और तो जितने भी सब्जेक्ट में आपको बैक आई है, उतने सब्जेक्ट के हिसाब से पर सब्जेक्ट 6,000 रुपीज आपको पेड करने पड़ेंगे। और ये जो है समर में, मतलब जब आप लोगों का एंड टर्म होगा, अभी मिड टर्म है आप लोगों का 4 अप्रैल से, उसके बाद एंड टर्म जब होगा तो उसके बाद जो 2 महीने का गैप होता है हमारा, कॉलेज का सेशन मात्र 10 महीने का ही होता है एक्चुअली, तो 2 महीने का जो समर वेकेशन होता है उसमें आप लोगों को उसमें बैक पेपर क्लियर करनी पड़ेगी, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो। तो ऑफलाइन मोड में ही होगा बेसिकली, ऐसा ज़ूम करके चलते हैं। और ये बात हो गई बैक वालों की, जिसकी बैक आई। और दूसरी जो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कंपनी आएगी नहीं, उनके लिए मैं बता दूं कि अभी कम से कम 15 अबव कंपनियां आ चुकी है हम लोगों के लिए, मतलब थर्ड ईयर वालों के लिए। और ऑलमोस्ट हमारे जितने भी सीनियर थे वो सारे प्लेस्ड हो चुके हैं। और 1 महीना पहले की डेटा है, 1 महीना पहले ने सर हम लोगों को बताया था कि मात्र 22 या 24 स्टूडेंट जो थे रिमाइनिंग प्लेस होने के लिए बचे हुए थे। तो वेल अपने, मतलब मेरे बैच में जो है 900 अबव 1000 के अप्रोक्स स्टूडेंट हैं, और मुझे ये जान के बहुत दुख हुआ कि सेकेंड ईयर जो हमारा जूनियर है, मतलब उन लोगों के बैच में सिर्फ और सिर्फ 800 के अप्रोक्स स्टूडेंट है, जबकि एडमिशन लगभग 1500 हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतना ज़्यादा गैपिंग कैसे आ गया सिर्फ एक ही साल में? तो वेल मुझे लगता है, जब मुझे ये डेटा पता चला, और मुझे नहीं पता एक्चुअल डेटा है कि नहीं, मुझे किसी स्टूडेंट ने ही बताया, मतलब सेकेंड ईयर का ही, तो अगर ऐसा हुआ है, मतलब वेरिएशन होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ये वेरिएशन आती है, लेकिन इतना भी नहीं आना चाहिए था, तो उसमें इतना भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए था, अप्रोक्सीमेट 50% हो गया। तो 50% नहीं होता है, मुझे लगता तो नहीं है, बिलीव तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी से ऐसा हो जाता है, क्योंकि सोचता है कि बहुत पैसा है सीएस ब्रांच में या ऐसे वैसे करके एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब उस चीज को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में क्या, फर्स्ट ईयर में तो हमें 11th 12th का ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मेन जो बेसिकली कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होती है वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है जितने भी होते हैं, तो वहाँ पे डिफिकल्टी आती है। और अभी तो कुछ भी नहीं, सेकेंड ईयर में तो कुछ भी नहीं, अभी जब हम लोग थर्ड ईयर में, और हम लोगों का अभी 6th सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी पता चल रहा है कि कितने टफ सब्जेक्ट जो है वो होते हैं और आते हैं, और कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। और मुझे, अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता जितना कुछ पढ़ना चाहिए था उसका हम लोग 50% भी पढ़ पाते हैं इंजीनियरिंग में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इंजीनियरिंग में, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं पाते ड्यू टू डिस्टर्बेंस, हम डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, या फिर टाइम की कमी भी बोल सकते हैं, या कंसंट्रेशन की कमी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा वो चीज़ मिस हो जाता है। और जब हम लोग सोचते हैं कभी उस चीज़ के बारे में, जब मैं सोचता हूँ कि फर्स्ट ईयर में क्या सीन था मेरा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो मुझे पता चलता है कि कितनी सारी गलतियाँ मैंने करा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सारी गलतियाँ आप लोग करो, तो इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो एक सही गाइडेंस मिल पाए कॉलेज में, इंजीनियरिंग लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ आप टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि आपको एक सीनियर बता सकता है। और अगर एक जैसे व्हीकल्स है, तो उस व्हीकल्स में अगर एक अच्छा ड्राइवर है तो वो कहीं भी एक्सीडेंट नहीं करता और मंजिल पे पहुंच जाता है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई सीनियर है, मतलब अच्छे सीनियर है, तो उनसे जरूर बना के रखो, ताकि वो तुम्हारा प्रॉपर गाइडेंस, मतलब हेल्प कर सके किसी भी चीज़ में। और
तीसरा चीज है कि आप लोग इंटर्नशिप के बारे में बोल रहे थे, तो अभी फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड ईयर के बाद जैसे ही ये खत्म होगा तो उसमें आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या करोगे, सिर्फ सी और पाइथन ही तो पढ़े आप लोग, उसमें क्या इंटर्नशिप करना फर्स्ट और सेकंड ईयर में। अगर चाहते हो तो कोर्स वगैरह ले लो, जैसे टाइम है तुम्हारे पास तो कोर्स कोई खरीद लो, ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ते अभी मिल जाते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स पे तुम कोई डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सीख सकते हो या कोई लैंग्वेज पे ही पकड़ बना सकते हो। तो ये सारी चीजें अभी अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। और एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आप लोगों को जान लेना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ट्वेल्थ का ही सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, कभी आपने ये सोचा है कि हमेशा क्यों ये चीज किया जाता है? मैं बताता हूँ, मुझे जो लगता है, टीचर तो ये बोलेंगे कि कुछ कुछ अलग रीजन भी है, जैसे हम लोगों को ये बताया गया था कि इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद आपको मन नहीं लगता उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में मन लगता है तो उस चीज में और जा सकते हैं। मुझे क्या लगता है, पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि मुझे लगता है ऐसा इसलिए पढ़ाया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए होते हैं, चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो इलेक्ट्रिकल हो कुछ भी हो, तो आप लोग ऑलरेडी वो पढ़ के आते हैं, तो आपके पास काफी समय होता है, क्योंकि आप एग्जाम रिटेन करने के लिए एक हफ्ते की पढ़ाई इनफ होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो चीज होता है कि आप जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, कुछ चीजें को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर करने के लिए होती है, और इनफैक्ट हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या करना नहीं करना है। अभी कुछ दिन पहले ही अभी एक आया हुआ है ब्रो लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज करके है ऐसा कुछ है, तो मुझे आज पता चला है कि लैंग्वेज में है क्या। इसमें मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया बताता हूँ कि इसमें जैसे आप कोई कोड लिखते हैं तो वो कोड को पूरा डिफाइन करता है, भाई वेरिएबल ए है या भाई वेरिएबल बी है। अगर आप एरर आपको कोई जनरेट होता है कोड में तो आप वहां पे आपको ऐसे नहीं लिखता है कि एरर फर्स्ट ईयर में मेरे से एरर भी नहीं पकड़ा जा रहा था, जब मैं हैकर रैंक पे काम कर रहा था तो पहली बात तो एरर ही समझ में नहीं आ रही थी, एरर बता क्या रहा है, कहाँ पे एरर ठीक करनी है, ये सब बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये भाई लैंग्वेज में क्या है, इसमें ये है कि आपको अरे अरे भाई क्या कर दी, अरे अरे भाई ये एरर है, ऐसे बताता, तो मतलब ये फन लैंग्वेज है और इससे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इस चीज को थोड़ा आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये नई चीज है जो कि मुझे भी जानने को मिला, मैं इस पे थोड़ा सर्च कर लूंगा। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा था, मतलब बहुत ही अहम चीजें हैं कि आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों की सीपीआई तो बन गई, जिसकी 8.0, मेरे सर्कल में जितने भी बच्चे हैं, जितने को भी मैं जानता हूँ, सबकी 8 से ऊपर सीपीआई है। बस एक दो बच्चे ने, 5 से अप्रोक्सीमेट बच्चे ने मुझे कॉल करा, मैसेज करा कि भैया सीपीआई तो ठीक ठाक है, 7 के ऊपर है, लेकिन एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक आ गई है। तो इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बताते भी नहीं है कि भैया बैक आई, क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन या उस टाइप का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकता हूँ मैं भी। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, बैक आई तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा, उससे सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगी उस पर भी कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है, और कंपनी में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप कंपनी में इजिली बैठ सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्यू कंपनीज जो है, कुछ कंपनियां ये बोलती है कि इंटायर ऑफ द बीटेक या फिर वो आपका जो भी ब्रांच है उसमें एक भी बैक नहीं आना चाहिए, तो वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। और मुझे, आप अगर उस लेवल के बच्चे हो तो मुझे इतना रिस्ट्रिक्शन झेलने की जरूरत ही नहीं है। अगर माइक्रोसॉफ्ट 10 लाख रुपीज दे रही है तो सिलिकन लैब इन लास्ट टाइम जो 15 लाख ऑफर करके गई, और 4 बच्चे भी हमारे सीनियर प्लेस्ड हुए थे। तो ऐसे ऐसे बहुत कंपनियां, वही है ब्रांड की बात है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में 8 लाख में भी जॉब कर लेगा, कोई नॉर्मल कंपनी है वो 15 लाख भी दे सकता है आपको, तो ये जरूरी नहीं है कि ब्रांड के लिए, ब्रांड को ही लेके चलना। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपसे करूंगा, लेकिन ये 2-3 चीजें थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, और शायद मुझे लगता है कि मैं वो चीज आप लोगों तक पहुंचा पाया, बता पाया। अगर इसके अलावा भी कोई मन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और एक और चीज है, जो ये वीडियो अभी नहीं आए हैं कॉलेज में, 12th पास आउट है और वो वीडियो देख रहे हैं और वो एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने वाले ही मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके अंदर कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट होता है। तो वेल, उसके लिए ये एक चीज है कि जब आप एडमिशन लेते हो और वहां पे आप लोगों को एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाएगा, उसमें सारा डिटेल्स दिया जाएगा, तो वहां पे एक ऑप्शन ये भी आता है कि मुझे तो ये आया था कि अगर आप जीएलएमयू यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन लेते हो तो कहाँ लेते हैं, तो उसमें 2-3 जो इसके बराबरी का है या इससे ऊंचे या नीचे,
जो भी है जीएलए के आसपास एवरेज में है उन कॉलेजेस का नाम आ रहा था। लेकिन और एक ऑप्शन आता है कि आप जीएलए को या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को किस थ्रू से जानते हैं, मतलब कैसे जानते हैं या कैसे जानकारी मिली, एडमिशन कैसे लिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे हमें मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा उनको या फिर धन्यवाद ज्ञापन करूंगा जो भी है, तो इससे थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज वहाँ पे मेंशन कर दे बीइंग इंजीनियर यूट्यूब चैनल या फिर कुछ भी इस टाइप का आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।